और तहसील खुरेटा गांव बंडली है जरा दरबार में तो साहिबा का नाल ही बंडली उतें असं जाना सी और असं प्यादल गए हैं जरा रडार है अपना आर्मी ऊपर और रस्ते में बेशुमार एरियाज हैं जिसमें असल की सिर्फ मतलब राह है कौन सी पता सीधी फिर गए क्या डायरेक्शन सी जी रडार की सी रस्ते का बिल्कुल तारुफ कोई नहीं सी ठीक है असं सुनया वा सी कि पुराने बंदे प्यादल जनाब सफर करने होने सन असा भी सोचा कि चलो ठीक है टुरी चुलने बगैर किसी तैयारी तो बगैर किसी प्लान तो असं गए हैं जी तो बाकी रस्ते बिच जो कुछ भी होया दस मुश्किल जी मुश्किल पता ये त्रै बंदे असा और असा रस्ता बटे के असा बिल्कुल कोई पता नहीं सी कि किधर जाना किधर नहीं जाना सरयालियां ना मौसम जी टाइम असा उतराई चढ़ने दूसरी टाइम चढ़ाई चढ़ी मुड़ी फिर उतराई टलने असा फिर उठी पहुंची जाने असा रस्ते ने कोई पता लगता ही नहीं सी रस्ते ब्लॉक हो गए जी छोटी जी चीज होनी है सरयाला वो असा दो बंदे लवाई कटाए सन अपनी चमीजा और जबान तक चले गए सरयाले इतने सन गल नहीं करी सकने पानी पीता फिजिकली फिट होना चाहिए हो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हाँ अगर कोई मौका मिलना है तो दोबारा उधर इधर अचना है तो उधर जाने वास्ते इंशाल्लाह मैं जा उस ने एक और साइड इफेक्ट है सी ना मजा बड़ा यार किले के मोबाइल हो बाकी उस दौर में मोबाइल ना देख सकते नहीं सी ऐसा कुछ भी सही ना हो जा सके ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਵਾਕਿੰਗਸ ਨਾ ਕਰਨੇ ਹੈ 6-7 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਬਾਕੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਿਆ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੇ ਹਵਾਈ ਤਾਂ ਬੰਨਾ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਔਰ ਪਹਾੜੀ ਸਫਰ ਸੀ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਸਫਰ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਫਰ ਕਿੰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਨ ਲੰਮਾ ਸਫਰ ਕਿੰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਬੰਡੀ ਪਿਆਦਲ ਗਿਆ ਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮੁੜੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ
और जिंदगी विच वो सफर दोबारा शायद काटी मौका मिला है ठीक है और बहुत खुशी हुई है सुना मुलाकात करी था भी आज मौजूद ना था इकट्ठे बड़े ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਠੇ ਰਹੇ ਆ ਬਚਪਨ ਸਾਰੇ ਗੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਕਲ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਪਰਸੂ ਦੜੀ ਹੋ ਬੜੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਈ ਜਸ ਬੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਓਕੇ ਲਵ ਯੂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੁਲੇ ਉਸ ਦੀ